हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये वीडियो ACCA स्कोप इन इंडिया के बारे में है। हमें रेगुलरली थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा डायरेक्टली इंक्वायरीज आती है थ्रू मैसेजेस, व्हाट्सअप, मेल्स दैट प्लीज सर हमें हेल्प करिए कि ACCA स्कोप इन इंडिया क्या है, क्या स्कोप है एक पर्सन को ACCA क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने से। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी पर्सन कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने के पहले या करने के बाद वो ये देखता है कि उसको कहां कहां जॉब्स मिलेंगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, तो अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अपने जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं उनके वेबसाइट पे जाते हैं, कंपनियों की वेबसाइट पे जाते हैं और अपने चेक करते हैं कि क्या मेरे को ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने से जॉब इंडिया में मिलेगा। तो मैंने आज रिसर्च किया था गूगल पे कि क्या क्या जॉब्स ACCA के बेसिस पे इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर आप आज naukri.com की वेबसाइट पे जाते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ ACCA 211 जॉब्स इंडिया में आज अवेलेबल है। उसमें भी रीसेंट पोजीशंस यू कैन से सीनियर एसोसिएट, सीनियर कॉरपोरेट फिनेंस, देन सीनियर अकाउंटिंग एनालिस्ट, अकाउंट्स मैनेजर। कंपनियां जो जो यहां पर ऑफर कर रही हैं, बिग फोर, रेडियंट, मस्क, आप naukri.com की वेबसाइट पे लोकेशन वाइज ACCA का जॉब सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट में कहां पर ACCA के बेसिस पे क्या जॉब अवेलेबल है। ACCA के वेबसाइट पे तो पार्ट क्वालिफाइड जिन्होंने F1 से लेकर F9 9 पेपर्स ही कंप्लीट किया है उनके लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ACCA इंस्टीट्यूट अपने को प्लेसमेंट दिलवाता है पार्ट क्वालिफिकेशन 9 पेपर कंप्लीट करने के बाद 5 to 6 लाख का जॉब इन इंडिया। अगर आप टाइम्स जॉब के वेबसाइट पे जाते हो तो 564 जॉब्स प्रिसाइजली आज के दिन ACCA के लिए अवेलेबल है। जॉब्स है पेंशन ऑडिटर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिस्ट, एश्योरेंस ऑडिट मैनेजर, ACCA ट्रेनी, सिटी बैंक के अंदर। ट्रेनी टाइप ऑफ जॉब आर देयर फॉर पार्ट क्वालिफाइड पर्संस, फॉर फुल्ली क्वालिफाइड पर्संस द जॉब्स आर देयर एट हायर लेवल्स, बट द जॉब्स आर देयर फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ पर्संस, सो दैट अगर आपका क्वालिफिकेशन 60-70% कंप्लीट हुआ है और आप साथ साथ अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इंडिया में जॉब इजिली कर सकते हैं। आप और भी अपने लेवल पे अगर रिसर्च करेंगे देन यू विल फाइंड दैट देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ ACCA पार्ट क्वालिफिकेशन एंड फुल क्वालिफिकेशन। और आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि ACCA के बेसिस पे ग्लोबल लेवल पे भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अपने ऐसा बोलते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट आज का है ये ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट है। जो इंडियन कॉरपोरेट्स है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है आउटसाइड इंडिया, दे आर ग्रोइंग, दे आर डेवलपिंग दे आर बिजनेस एंड एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। इवन जो दूसरी कंपनियां दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रही है, वी से दैट दिस इज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। सो इसलिए वो लोग क्या चाहते हैं कि एक पर्सन जिसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, जिसको ग्लोबल अकाउंटिंग, IFRS, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल टैक्सेशन का नॉलेज हो, वो लोग उनको हायर करें और वो लोग उनको लीडर बनाएं, बिकॉज दे विल बी एबल टू हैंडल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी एबल टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर अपने पास ACCA जैसा क्वालिफिकेशन होता है तो अपने उन सब ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप रोल और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। वी विल बी गेटिंग जॉब इनरिचमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन अलॉन्ग विद द अर्निंग्स। अपने सराफ एकेडमी में ग्लोबल कोर्सेस में UK से ACCA और सीमा और US से CPA एंड CMA US ऑफर करते हैं। हम एक और कोर्स ऑफर करते हैं जो कि ACCA इंस्टीट्यूट का ही है, डिप्लोमा इन IFRS। इन सब कोर्सेस से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन, मेंबरशिप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हर तरह की चीज में आपको जो भी हेल्प की जरूरत है हम आपको वो पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखकर
अपने कैरियर डिसीजन लेने में सुविधा होती है एंड यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिलेटिंग टू एनी ऑफ दीज कोर्सेस, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू.